दूसरी बार फूकूंगा अजान बेटा, इधर आओ। ये अंडे मैं रख रही हूँ और अंदर से कुछ सामान सामान लेने जा रही हूँ। ये अंडे कवा उठा लेगा, इधर आओ। उठा ले। फिर खाओगे क्या? इधर तो आओ अजान, तुम आ जाओ। नहीं, हम खेल रहे हैं। अजान इधर आ जाओ। क्यों? हम खेल रहे हैं। अभी कवा उठा लेगा। उठा ले। मैंने कुछ सामान धोना है, इधर आ जाओ। ये अंडा भी धोना है, ये भी धो। इसमें तो बच्चे हैं, थर थर कांप रहे हैं। इसमें मम्मी बच्चे हैं। नहीं तो मैं कुछ सामान अंदर पड़ा है लेकर आती हूँ। तो अंडे में बच्चे हैं। ये तो आलू। अच्छा, ये देखो ये कितना बड़ा अंडा है। ये अंडे हैं। प्यास भी नहीं आए, फिर क्या होगा? ये अंडे कैसे बनेंगे? मैं तो प्यास के बगैर नहीं खाऊंगा। धनिया और टमाटर और मिर्चे तो हैं। धनिया है, चलो धनिया डाल। हम खाएंगे। आराम कर से बैठो, पीछे 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 हो जाओ, इसे खराब मत खाओ। जाओ खेलो। और जब तुम्हें मैं पूछता हूँ, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम प्यारे व्यूअर। तो कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ कि अल्लाह के फजल करम से खैर खैरियत से होंगे और अल्हम्दुलिल्लाह हम भी बिल्कुल ठीक हैं। जो मेरे भाई बहन दुख में हैं, तकलीफ में हैं या किसी परेशानी में, अल्लाह ताला उनकी परेशानियों को दूर करे। तो इस नेक दुआ के साथ आज वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले तमाम भाई और बहनों से मेरी छोटी सी रिक्वेस्ट होती है कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना है और वीडियो को पूरा वॉच करना है, लाइक शेयर भी ज़रूर करना है। जी तो यार, आज जो है ना आलू अंडा मैं बना, इसकी जो है ना रेसिपी बना रही थी, तो मैंने सोचा कि आप तमाम भाई और बहनों से भी शेयर कर लें। जी तो आप देख रहे हैं, ये तीन अंडे मैंने ख़रीदे हैं और ये आलू भी ख़रीदे हैं और आज जो है ना माशाल्लाह किस्मत से हमें ये धनिया भी मिली है और ये मिर्चें भी और ये टमाटर भी साथ में है। तो वैसे तो अंडा जो होता है, कोई मेहमान घर पर आ जाए तो जल्दी जल्दी इतना जल्दी से आसानी से बन जाता है, तवे पर बन जाता है, तो मेहमान को हैंडल करना कोई मुश्किल नहीं होती। उसके लिए जो है ना उसकी मेहमान ही बनाना, एक अंडा खरीदो और बना कर मेहमान को दो रोटियां बना कर दे। तो वर्ष ये जो है ना बहुत ही आसान तरीका है मेहमान को हैंडल करने का। तो प्यारे वर्ष देख रहे हैं, ये पहले जो है ना मैं आलू काटूंगी। इसमें जो है ना अंडे में आलू बारीक बारीक काटे जाते हैं, तो इसलिए जो है ना मैं भी इसे बारीक बारीक काटूंगी। और ये अंडा आलू बच्चे तो बहुत ही शौक से खाते हैं और बड़े भी बहुत शौक से खाते हैं। तो ये मैं बना रही हूँ, पहले जो है ना छोटे छोटे आलू काट लेती हूँ बारीक बारीक, फिर इसको तड़का लगा कर कम से कम 10 मिनट तक इसको जो है ना चूल्हे के ऊपर खड़ाऊँगी, फिर जो है ना मैं अंडे डालूँगी। असल में वाल इसमें जो है ना प्याज बहुत थी, अंडे में जो है ना प्याज डाले जाते हैं। आज जो है ना बस यही सब्जी है मेरी, प्याज तो आज है नहीं,
तो इसलिए जो है ना बस मैं यही सब्जी काट कर बनाऊंगी और इसमें अंडे भी डालूंगी। रुमान अजान आपका एक अंडा रख दूं, आप जब स्कूल जाएंगे तो आपको जो है ना तवे पर रोटी बना दूंगी। सुबह एतवार है। हाँ सुबह तो एतवार है, सुबह तो तुम स्कूल भी नहीं जाओगी। चलो फिर भी बना दूंगी। जी तो प्यारे व्यूअर्स आप देख रहे हैं ये धनिया और टमाटर और मिर्च मैंने काट लिया है, ये आलू भी मैंने काट लिया है, ये इसको जो है ना मैं इसमें डाल दूंगी और लून मिर्च भी डाल दूंगी और घी भी डाल दूंगी। इसको तड़का लगा कर इसमें जो है ना ये काफ़ी जो है ना जब इसको तड़का लग जाएगा तो इसमें जो है ना अंडे डालकर इसको जो है ना नीचे उतार लूँगी। रिवर मैं तो ऐसे बनाती हूँ, मेरा तरीका भी यही है। हमारे गाँव का सब औरतें जो है ना हमारे गांव की ऐसे ही आलू अंडा बनाती हैं, तो मैंने भी उनको देखकर ये सीखा है कि मैं भी ऐसे अंडा बनाऊं। तो यार मैं भी वैसे बना रही हूँ जैसे हमारे गांव की औरतें बनाती हैं। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। हाँ अब खाने का टाइम हो चुका है। असला चीज मान रही है आलू। अब तो आप आ गए हो, आप तो कहोगे खाने का टाइम जो हो चुका है। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स ऐसे कहो ना, अस्सलाम वालेकुम अम्मी ऐसा तो नहीं कहोगे ना। चलो मैं कह देता हूँ अस्सलाम वालेकुम अम्मी। बस ये जो तड़का अब लग जाए इसमें अंडे डालो, जल्दी रोटी पकाओ हमने खानी है। कुछ टाइम तो लगेगा। नहीं लगेगा। ये अंडे जो है ना मैं धो लेती हूँ। इस पर जो है ना जरासीम होते हैं, जब जो है जब तोड़ के डालूंगी तो फिर जो है ना जरासीम लग जाएंगे। इसको अच्छे तरीके से मैं धो लेती हूं। जरासीम इस पर जरासीम कैसे आ जाते हैं। मैं आपको बताऊं कैसे आ जाते हैं। मुर्गी अंडा जब देती है तो जरासीम तो आ जाते हैं। वो अपने मालिक को देती है जिन्होंने उनको पाल कर रखा हुआ है। फिर वो हमारी भी मुर्गी है जिसे हम अंडे, हम मुर्गियाँ यहाँ पर नहीं रख सकते ना, यहाँ पर कुत्ता खा जाता है। हाँ जी तो प्यारे अब जो है ना ये आलू जब नरम हो जाएंगे तो इसमें जो है ना मैं ये अंडे डालूंगी और मेरी रेसिपी जो है ना मुकम्मल हो जाएगी। तो उम्मीद करती हूँ कि आपको आज की वीडियो हमारी अच्छी लगी होगी और कल मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक अल्लाह हाफिज़।